हाय, हम डॉक्टर शिवानी सिंह और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फुट ड्रॉप के बारे में। फुट ड्रॉप यानी चलते वक्त पैर का घसीटना या फिर पंजे का लटकना। अब फुट ड्रॉप होता क्या है? इसमें क्या होता है, हमारी जो इंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स है या फिर जो डोर्सिफ्लेक्सर्स है उनमें वीकनेस आ जाए, या फिर हमारी जो कॉमन पेरोनियल नर्व है जो हमारे पंजों को सप्लाई कर रही है उनमें इंजरी या कंप्रेशन हो जाए, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो पंजा है वो नीचे की तरफ लटक जाता है। मतलब इसका जो मूवमेंट है, अपवर्ड जो मूवमेंट है वो हो नहीं पाता। पंजे का लटकना, इसका अपवर्ड मूवमेंट ना होना, मतलब पंजे का उठ नहीं पाना, इस कंडीशन को हम बोलेंगे फुट ड्रॉप। अब फुट ड्रॉप टू टाइप्स के होंगे, पार्शियल और कम्प्लीट। पार्शियल में क्या होगा, हमारा जो पंजा है वो थोड़ा सा ही उठ पाएगा, ये कम्प्लीट नहीं उठ रहा है, इसमें थोड़ा सा ही मूवमेंट हो रहा है, इसको बोलेंगे पार्शियल फुट ड्रॉप। और कम्प्लीट में क्या होगा, ये पूरा पंजा लटक जाएगा, इसका कोई मूवमेंट नहीं होगा और ये उठ नहीं पाएगा, ये ऐसे ही लटका रहेगा, इसको बोलेंगे हम कंप्लीट फुट ड्रॉप। अब कॉजेस क्या है फुट ड्रॉप के, मतलब ये क्यों हो रहा है, ये हमें स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, ये स्पाइनल स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है, या हमारी जो इंटीरियर कंपार्टमेंट की जो मसल्स है वो वीक हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, या हमारी जो कॉमन पेरोनियल नर्व जो पंजे को सप्लाई कर रही है उसमें इंजरी हो जाए उसकी वजह से भी हमें फुट ड्रॉप हो सकता है। तो फुट ड्रॉप में पेशेंट कुछ इस तरह से चलता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ सिंपल और इफेक्टिव एक्सरसाइजेस जिससे आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको टॉवल के सपोर्ट से अपने पंजे को खींचकर अपनी तरफ लेकर आना है। आपको पीछे काफ मसल्स में खिंचाव महसूस होगा, इस स्ट्रेच को 10 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। तो सेकंड एक्सरसाइज में आपको एक बॉल लेनी है और बॉल को दोनों पंजों के बीच में रखकर और दोनों पंजों के सपोर्ट से उस बॉल को उठाना, मतलब लिफ्ट करना, और ये एक्सरसाइज भी आपको 3 times करनी है।